अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ऑरेंज पाउंड केक। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है ये केक और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है ये केक। और इसको जो है हम बेकरी स्टाइल में बना रहे हैं। और ये जो है इसमें हम एक डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए आपको जो है ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ अपनी। यहाँ मेरे पास है एक कप मैदा, जिसको जो है मैंने छान लिया है। चीनी यूज़ करेंगे हाफ कप और दो अदद अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं अंडे। बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे हम हाफ टी स्पून और वनीला एसेंस हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ये है कि यहाँ हम लेमन फूड कलर डाल रहे हैं, जिससे जो है ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेगा। क्योंकि बाहर से जब हम केक यूज़ लेते हैं तो आपने देखा होगा बेकरी का जो केक है अंदर से येलो येलो सा होता है, तो वो इसीलिए होता है कि वहाँ उसमें जो है लेमन फूड कलर ऐड होता है। और यहाँ मेरे पास एक किनू छोटे साइज़ का था, जिसको जो है मैंने अच्छे से पीलिंग कर ली, इसका जेस्ट निकाल लिया। इसका जेस्ट जो है हम इसमें ऐड करेंगे, जो है इसका फ्लेवर ही ऑरेंज केक का सारा फ्लेवर इसके जेस्ट से आएगा। तो ये जो है मैंने यहाँ पर उसी किनू को जो है जूस निकाल लिया है इसका, और एक किनू का जूस ऐड करेंगे। किनू जो है आपका मीठा होना चाहिए, खट्टा किनू इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ मेरे पास है हाफ कप बटर, और बटर ये अनसॉल्टेड बटर है, और इसको जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे था ये बटर। बटर को हमें इतना बीट करना है कि बटर की जो कंसिस्टेंसी है लाइट सी हो जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए बिल्कुल। अगर आपके पास हैंड विक्स है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। टाइम लगेगा पर यह कि बहुत अच्छे से बीट हो जाएगा आपका हैंड विक्स से भी। और इसमें जो है मैं आप थोड़ी थोड़ी सी ऐड करके जो है मैं इसमें शुगर ऐड करके जो है इसको बीट करूंगी। और इतना बीट करेंगे हम कि ये फ्लफ़ी सा क्रीमी सा इसका जो है बिल्कुल टेक्स्चर हो जाए। क्रीमी फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो हम इसकी बीटिंग रोक देंगे। और इसमें जो है अंडे शामिल करेंगे। एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया है, एक एक करके अंडे को इसमें ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे। सिर्फ इतना बीट करेंगे कि अंडा जो है अच्छे से मिक्सचर में जो है अच्छे से बीट हो जाए। बस एक और अंडा इसमें ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जेस्ट, और जो है बेकिंग पाउडर को मैंने मैदे में ऐड कर दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। लेमन फूड कलर ऐड करेंगे, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लेमन फूड कलर ऐड कर रही हूँ क्योंकि लेमन फूड कलर से इसका बहुत ही अच्छा सा कलर हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल मैंने इसमें दो ड्रॉप्स डाले, बस दो इसमें तकरीबन बहुत है। वनीला एसेंस ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं। अब बीटिंग का काम पूरा हो चुका है, अब हम जो है मैदे को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको जो है फोल्ड करेंगे। अब मैं इसको जो है ओवन में बेक कर रही हूँ, तो मैंने ओवन को जो है 180 पे जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट प्री हीट हो चुके हैं ओवन को। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो इस आप पतीले को जो है प्री हीट करने के लिए रख देंगे, और जो है मीडियम लो फ्लेम पे आप उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे, और फिर जो है आप उसको मीडियम लो फ्लेम पे उसको तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए आप उसको कुक करेंगे। अब मैं इसको जो है ओवन में बेक कर रही हूँ, तो मैं इसको जो है 160 सेंटीग्रेड पे बेक करूँगी। और यहाँ मेरे पास है लो पैन का मोल्ड, और ये मेरे पास है 8 इंच का। अगर आपके पास 6 इंच का है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास यहाँ 8 इंच का था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल से वो निकल जाए। मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। 30 से 45 मिनट हो चुके थे इसको बेक हुए हुए, और ये बहुत ही गर्म हो रहा था तो मैंने इसको जो है एक रैक पर रख दिया है ठंडे होने के लिए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको इस मोल्ड में से निकालेंगे।
15 मिनट बाद देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको निकाल लिया। मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। इसकी सॉफ्टनेस देखें आप, कितना सॉफ्ट बनाई है। देखें बहुत ही मज़ेदार सा बना है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है इसमें। ये देखें मैं आपको इसको जो है चेक कराती हूँ, कितने सॉफ्टनेस चेक करें आप इसकी, कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।